नमस्कार, मैं हितेश गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका एजुकेशन इंडिया में। अभी हम बात करने वाले हैं कैसे सवाल की, जो जनधन योजना को लेकर सभी के जहन में घूम रहा है। ये सवाल है, क्या होगा अगर हम अपने खाते से रुपए नहीं निकाले तो क्या ये रुपए वापस सरकार ले लेगी। इस सवाल को लोगों के जहन में पहुंचाया जा रहा है, वाइड लेवल पर अफवाह फैलाई जा रही है। इस फेक न्यूज में यह कहा जा रहा है कि अगर आप अपने खाते से रुपयों को ना निकालेंगे तो आपके रुपए सरकार वापस ले लेगी, खासकर जनधन योजना के रुपए जो 500 रुपए अभी जमा हो गए हैं या फिर होने वाले। अब बात यह रह जाती है कि इस अफवाह से देश को नुकसान है। देश को नुकसान यह है कि जैसे ही अफवाह फैली, लोगों में हड़कंप मच गई और लोग अपने घरों से निकलकर बैंक जाने लगे। देखते ही देखते सोशल डिस्टेंसिंग का कबाड़ा हो गया। लोग बैंकों में जाकर रुपए निकालने के लिए भीड़ जमा कर गए। इसी भीड़ को ख़त्म करने के लिए इस सवाल का सही जवाब चाहिए आपको। इस फेक न्यूज की रियल न्यूज चाहिए आपको तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। और हाँ, इसी वीडियो के अंदर आपको उज्ज्वला योजना, जनधन खाते के 500 रुपए कब आएंगे, ये संपूर्ण जानकारी मिलने वाली। तो वीडियो को ध्यान से पूरा तो ज़रूर ही देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये सवाल और इसका जवाब हर एक इंसान तक पहुँचाइए। आपके भाई बहन मित्र उन तक ये सवाल पहुँचाइए। अब कैसे पहुंचाना है, इसके लिए नीचे ही आपके वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन आ रहा है, उसे दबाइए। फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। हमारा मकसद यही है कि आप तक सच्चाई पहुंचाई जाए, आपका भी यही रहना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको फटाफट से बता देते हैं इस सवाल का जवाब। तो जब अफवाह को देखा गया तो मैंने रिसर्च की। PIB जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसके वेबसाइट पर जाने के बाद इस फैक्ट की हमें सही न्यूज मिली। इसके ऊपर फैक्ट चेक था कि ये न्यूज गलत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का पैसा एक बार आपके जनधन खाते में ट्रांसफर करने के बाद वापस नहीं लिया जाएगा। यानी कि अगर आपको आवश्यकता है, इतनी आवश्यकता है कि आपके लिए जीना मुश्किल हो रहा है, तो आप इन 500 रुपए को निकाल सकते हैं। अन्यथा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास सफिशियंट अभी रुपए पड़े हैं जिनसे आप इस लॉकडाउन के दौरान अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर सकते हैं, तो आपको रुपए निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये रुपए 500, 1000, 1500 सारे आपके बैंक खाते में जमा हो जाएंगे। इन्हें 3 महीनों के बाद भी आप निकाल सकते हैं, ज़रूरत हो आवश्यकता के अनुसार अभी भी निकाल सकते हैं। ये हो गए इस फेक की फैक चेक। यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि इस फेक न्यूज़ की आपको रियल न्यूज़ तो मिली गई है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ और हर फेक न्यूज़ की रियल न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिल सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाइएगा। अब बात कर लेते हैं उज्ज्वला योजना की। जी हाँ, उज्ज्वला योजना में भी कुछ ऐसी ही फेक न्यूज आपके पास पहुंची होगी या पहुंच सकती है। उज्ज्वला योजना के दौरान सरकार ने थोड़ा सा गलत कदम उठाया जरूर है। इसके तहत, उज्ज्वला योजना के तहत आपके पहले महीने के जैसे ही रुपये डाले जाएंगे तो आपको गैस सिलेंडर लेना है। अब गैस सिलेंडर आप कौन से रुपये से लें यह मायने नहीं रखते, ये क्लियर कर देता हूँ आपके लिए बात। गैस सिलेंडर कौन से रुपए से ले यह मायने नहीं करता है। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको खाते से रुपए निकालने ही निकालने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ गैस सिलेंडर लेना है, ज़रूरत ना हो तो भी गैस सिलेंडर लेना है। अगर आपको ये रुपये नहीं चाहिए तो आप गैस सिलेंडर मत लीजिए, ताकि अन्य लोगों की मदद की जा सके। अगर आपको गैस सिलेंडर की ज़रूरत है और आप गैस सिलेंडर लेना चाहते हैं तो गैस सिलेंडर ले लीजिए। इसके बाद सेकंड महीने में आपको रुपए मिल जाएंगे। फिलहाल कई लोगों के
अभी रुपए नहीं आए उज्ज्वला योजना के, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि फिक्र मत करिए, उज्ज्वला योजना के जो रुपए हैं वो सभी के खातों में डाले जा रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। करीबन 8.65 करोड़ महिलाएं ऐसी थी जिनके खातों में ये रुपए डलवाए जाने थे। अब तक आपके खातों में रुपए आ गए होंगे, ज़्यादातर लोगों के खातों में रुपए आ गए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खातों में रुपए नहीं आए। इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है आपका आधार लिंक ना हो खाते के साथ, सबसे बड़ा कारण हो सकता है आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ना हो। इन दोनों को करवा दीजिए अगर नहीं है, उसके बाद गैस एजेंसी में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो गैस एजेंसी जाकर या घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आप कैसे कर सकते हैं यह भी आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन वहां जाकर आपको अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा देने, इसके बाद आपको उज्ज्वला योजना के रुपए मिलने निश्चित है। इसके तहत आपके खाते में रुपए भेजे जाएंगे जितने अभी वर्तमान में गैस सिलेंडर की रेट है। अब बात कर लेते हैं जनधन योजना की। जनधन योजना के खातों में रुपए भेजे जा चुके हैं केंद्र सरकार की ओर से, ये बात भी क्लियर कर देते हैं। केंद्र सरकार की ओर से 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल के बीच में रुपए भेजे जा चुके हैं। हालांकि जब केंद्र सरकार की ओर से आपके गांव के शाखा तक ब्रांच तक जब रुपए आते हैं तो कई सारे स्टेप्स में उन्हें भेजा जाता है। जैसे पहले राज्य सरकार के पास आते हैं, फिर जिला बैंक, फिर आपके IFSC कोड तक ये रुपए आते हैं। तो कहीं ना कहीं देरी इसलिए भी होती है क्योंकि अभी एम्प्लॉयज़ की कमी है, एम्प्लॉयज़ की कमी होने के कारण आपके खातों तक रुपए नहीं पहुंचे, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर आपके खातों में रुपए पहुंच जाएंगे। ये आश्वासन पहले भी दे चुके हैं क्योंकि 20.5 करोड़ महिलाओं के खातों में रुपए पहुँचाना है कम नहीं, यानी कि देश की करीबन 1/6 जो जनर यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसे भेजना है, यानी कि 1/6 इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को भेजना है तो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन भेजने की पूरी कोशिश की जा रही, भेजे जा रहे हैं आपके खातों तक रुपए। कईयों के खाते में मैंने देखा कि आप भी गए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताते जाइए कि किन किन के खातों में अभी तक रुपए आ चुके हैं या किन के नहीं आए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे शेयर करिए, हम उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे और आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य दबाइए। इस वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।